राज्य सरकार की ओर से आज से नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल मीट का किया जा रहा आयोजन। पहले दिन झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और एथेनॉल पॉलिसी पर निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संविधान के निर्माण से संबंधित फोटो प्रदर्शनी और एक फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 31 नए मरीज मिले, जिनमें रांची के 21 जबकि 16 अन्य जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले। और कोडरमा जिले के बांझेटी स्थित डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 4 अधिकारियों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से आज से नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले मीट में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कंपनियां शामिल होंगी। आज झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे पर कंपनियों से सुझाव मांगे जाएंगे और इच्छुक निवेशकों को राज्य के आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ा में सहायक बनेगा। इससे 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 5,00,000 रोजगार सृजित करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके साथ झारखंड एथेनॉल पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली में संविधान के निर्माण से संबंधित फोटो प्रदर्शनी और चित्रांजलि 875 विषय पर एक फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के गठन से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद के पहले चुनावों से जुड़े इतिहास को जीवंत तरीके से इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जा रहा है। इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संविधान के निर्माण से संबंधित फोटो प्रदर्शनी और चित्रांजलि प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगा। स्मरण करने के लिए उस दिन को चुना भी गया और आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। उस समय के कुछ भाषण जो बीच में आपको सुनाए भी गए उसकी ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होंगी और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को
न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। डीडी न्यूज आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। इसी कड़ी में आज की कड़ी में जानिए भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस की खुफिया रेडियो के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की, दिन 8 अगस्त, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। आई वॉज कनेक्टेड विद द अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो इन बॉम्बे। ऑफ कोर्स व्हाट वी यूज्ड टू से वाज दैट दिस इज कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, बट रियली We were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विठल दास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबू भाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाणिक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकम दास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। इमीडिएटली वी कॉल was given by Mahatma Gandhi to do or die, we thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ही पोलेलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलेलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में झारखंड में निवास करने वाले महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी टाना भक्तों की चर्चा लाजमी है। इन टाना भक्तों के देश प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके घरों पर सालों भर तिरंगा लहराता है। इतना ही नहीं, टाना भगत प्रतिदिन तिरंगा की पूजा भी करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों झारखंड के टाना भक्तों पर पेश है ये खास रिपोर्ट।
महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी की संज्ञा अगर मौजूदा दौर में कुछ चंद लोगों या समुदाय को दी जा सकती है तो उनमें झारखंड के टाना भक्तों को अग्रिम पंक्ति में शामिल किया जा सकता है। इनकी वेशभूषा और रहन सहन आपको खुद ब खुद इनके देश प्रेमी और राष्ट्रपिता के सच्चे अनुयायी होने का एहसास दिला देंगे। इन टाना भक्तों की एक और खास बात यह है कि ये प्रतिदिन तिरंगा की पूजा करते हैं और साल भर इनके घरों में तिरंगा लहराता रहता है। आजादी की लड़ाई के दौरान इनके पूर्वजों ने रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी का भरपूर सहयोग, जिस पर आज भी मौजूदा पीढ़ी को गर्व है। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन निकाले कि गांधी जी को कुछ सहयोग देना चाहिए। तो हमारे टाना भक्तों ने एक माधव मंत्री नाम के थे, वो भारतवासी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने चार चार आना करके चंदा किए। उन्हें हम लोग का पूर्वजों ने 54 सदस्य 54 मेंबर कहा करते थे। उस 404 आना मेंबर 1600 टाना भक्तों ने योगदान दिए। उन 1600 रुपया को हमारे मंत्री ने, माधव मंत्री ने रामगढ़ अधिवेशन सम्मेलन में महात्मा गांधी के हाथों में सौंपने का काम किया। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित सोनपीची में हर बृहस्पतिवार को टाना भक्तों का जब जमावड़ा लगता है तो बरबस स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताजा हो जाती हैं। इन टाना भक्तों के लिए आज भी महात्मा गांधी के आदर्श और उनके सिद्धांत जीवन का आधार है तथा वो बापू की जयंती को कुछ खास अंदाज में भी मनाते हैं। बहुत सा आंदोलन किए टाना भक्त और महात्मा गांधी के साथ एकदम लड़ाई के क्षेत्र में दौड़ने लगे। कहाँ नहीं गए, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, पूरा हिंदुस्तान में टाना भगत लोग चक्कर लगाए और 3-4 दिन रहे। खाना पीना घर का तो सब भुला गए थे। 26 जनवरी और गांधी जयंती वो लोग धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और मानते हैं गांधी जी। आजादी की लड़ाई में महिला टाना भगत ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत की थी। समाज और देश के प्रति प्रेम का यह जज्बा आज भी इनमें बरकरार है और इनकी कथनी और करनी से भी यह झलकता है। मेरा ससुर सौगी स्वतंत्रता सेनानी रहा, तो यहाँ में से आजाद किया, मीटिंग बनाया, जहाँ जहाँ मीटिंग होता है जाते हैं। हम लोग खाना भगत है, मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं, अपना समाज में रहते हैं, घूमते करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों, झारखंड के टाना भक्तों के योगदान को इतिहास के पन्नों में शायद वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे ही गुमनाम सेनानियों को याद करने का एक मौका दे रहा है जब हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं। टाना भगत गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं, वो आज भी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और उनके मार्गदर्शन जो दिए गए हैं उस पर वो चलते हैं। आज भी जो उनकी नई पीढ़ी भी है वो उसी तरह से टाना भक्तों ने जिस तरीके से शुरुआत की थी और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, उसी सोच के साथ आज टाना भक्तों की नई पीढ़ी भी जो है, नई पौध भी जो है, वो देश सेवा में उसी तरह से अपना जज्बा कायम रखते हैं। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चिंपेची, रांची। अफगानिस्तान में कल शाम काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए दो आत्मघाती हमले और बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी में 13 अमेरिकी सैनिकों और 60 नागरिकों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए। ये दोनों विस्फोट अमेरिकी सैनिकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसने के प्रयास में हुए। भारत ने काबुल में हुए बम विस्फोट की तीखी आलोचना की है। भारत ने इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री को दी। मौके पर श्री कुलस्ते ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वाटरशेड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना JSLPS के माध्यम से चल
रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से जिस प्रकार की मदद चाहिए हर संभव मदद राज्य को करने को तैयार है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने मनरेगा के तहत मिल रही मजदूरी दर को बढ़ाने का अनुरोध किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के नव नियुक्त पदाधिकारियों ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इनमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो एवं शहजादा अनवर शामिल हैं। मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी के सहयोग से राज्य के विकास का भरोसा दिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 44,658 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 32,988 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3,26,03,188 है, जिनमें से 3,44,899 सक्रिय हैं। मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 3,18,21,428 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में के दौरान कोविड 19 के 21 नए मरीज मिले हैं, जबकि 32 लोगों को कोरोना ने मात दी है। कल मिले मरीजों में सबसे अधिक 21 संक्रमितों की पहचान रांची से की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के 16 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इन जिलों में बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा शामिल है। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 98.48% है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 139 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 61,22,08,542 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने 50% पात्र आबादी को पहली खुराक देने के साथ ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से अब तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 23 करोड़ से अधिक लोगों को पहला और 2 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेजी गति से चल रहा है। राजधानी रांची में आज निर्धारित 16 केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 19 केंद्रों पर कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 23 अगस्त से मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी इसे भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक ओर पूरा विश्व कोरोना महामारी की विभीषिका से जूझ रहा है, तो पुराने जटिल रोगों को समाज से मिटाना भी चुनौती है। फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करने को लेकर देश का स्वास्थ्य विभाग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर 23 अगस्त से मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 27 अगस्त तक चलेगा। 23 तारीख से ये चलेगा, 27 तारीख तक, और 27 तारीख तक ही चलेगा। अभियान की सफलता में स्थानीय सहिया और आंगनबाड़ी सेविका बहनों का भी बड़ा रोल है। ये न सिर्फ लोगों को दवा खिला रही हैं, बल्कि दवा की खूबियां बताकर ग्रामीणों को उसे खाने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। महिला सबको जागरूक कर रही हूँ और बुला रही हूँ और दवा खाने के लिए बता रही हूँ कि फलेरिया दवा खाने से हाथी पांव जो फलेरिया से मुक्त मिले। किस चीज का दवा था ये? फलेरिया का दवा है, पैर फूलने नहीं फूलेगा इसलिए खाए। ग्रामीण भी अब डीईसी और एल्बेंडाजोल की खुराक का महत्व समझने लगे हैं। केवल रांची जिले में करीब 13 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए जिलों में रैपिड रिन पास टीम का भी गठन किया गया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कल मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राजस्व, वैक्सीनेशन, सैंपल टेस्टिंग समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी पंचायतों में योजनाओं की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी, खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दे। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए, ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड स्थित बांझेडीह में दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कल हुए हादसे में चार अधिकारियों की मौत हो गई। इनमें एक कंपनी का प्रबंध निदेशक और तीन इंजीनियर शामिल हैं। यह दुर्घटना लिफ्ट की ट्रॉली टूटने के कारण हुई। इस वजह से दर्जनों मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करा लिया गया है। इस दुर्घटना की जांच के लिए केटीपीएस के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने प्रमंडल के जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में किसानों को गुणवत्तापूर्व उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के किसानों को उर्वरक को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों के बीच उर्वरक की बिक्री किए जाने एवं कालाबाजारी करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई करें। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुरक्षा उपलब्ध हो सकेगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस होगा तैयार, ई श्रम पोर्टल की हुई शुरुआत। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शुरुआत।
वर्चुअल रूप से हुए समारोह में देश भर के राज्यों से श्रम मंत्री शामिल हुए। मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से असंगठित कामगारों के पंजीकरण और असंगठित कामगारों के आधार से संबंध व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई श्रम नामक पोर्टल विकसित किया है। देश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार का अनुमान है। एक पोर्टल के अंतर्गत ये पंजीकृत किए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सामाजिक श्रेणी जैसी जानकारियों को दर्ज कराना होगा। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। कामगारों को सीएससी या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार को ई श्रम पोर्टल पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा। केंद्र और राज्य सरकार की लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी ये सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कामगारों को विभिन्न स्थानों पर बार बार अपना पंजीकरण नहीं कराना होगा। उन्हें 12 अंकों का विशिष्ट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में पुलिस ने एक साइबर अपराधी के घर छापेमारी कर 21 लाख रुपए नकद समेत कई अन्य सामान जब्त किए हैं। हालांकि साइबर अपराधी आनंद रचित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि वह कोलकाता साइबर पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फिर से साइबर अपराध से जुड़ गया था। उन्होंने बताया कि उसे और उसके सहयोगियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की ओर से आज से नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल मीट का किया जा रहा आयोजन। पहले दिन झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और एथेनॉल पॉलिसी पर निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संविधान के निर्माण से संबंधित फोटो प्रदर्शनी और एक फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 31 नए मरीज मिले, जिनमें रांची में 21 जबकि 16 अन्य जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले। और कोडरमा जिले के बांजडी स्थित डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 4 अधिकारियों की मौत। प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि